हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं हम। आज हम EGR को क्लीन करेंगे और इस वीडियो की काफ़ी डिमांड भी आई हुई थी मेरे पास कमेंट्स में। तो EGR हर 30,000 किलोमीटर यानी कि 30,000 किलोमीटर पे क्लीन करना होता है। फ्रेंड्स, कुछ लोग या मैकेनिक EGR को EGR क्लीनिंग स्प्रे से भी साफ़ करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब हम स्प्रे से EGR को क्लीन करेंगे तो EGR वाली सारी गंदगी निकल कर टर्बो चार्जर में और एग्जॉस्ट पाइप में जम जाती है, और जब हम बार बार स्प्रे से ही क्लीन करते रहेंगे तो वो ज़्यादा अमाउंट में जो गंदगी है वो टर्बो में और एग्जॉस्ट पाइप में जम जाएगी। इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता कभी भी कि आप स्प्रे से इसको क्लीन कीजिए। तो हम तो इसको खोल के ही साफ़ करने वाले हैं अभी। तो फ्रेंड्स, EGR को क्लीन करने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि EGR होता क्या है। तो EGR की फुल फॉर्म एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन होता है, और इसका मतलब क्या है कि जब कम्बस्टन होने के बाद गैसेज रिलीज होती है तो वो एक बार फिर से रिसर्कुलेट होकर इंजन में फिर से आती है और फिर से उसका कम्बस्टन होता है, और दूसरी बार कम्बस्टन होने के बाद वो एग्जॉस्ट से निकलती है। तो EGR के अंदर एक वाल्व लगा होता है, उसके अंदर एक सेंसर लगा होता है। जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो EGR काम नहीं करता, वो वाल्व बंद हो जाता है सेंसर की वजह से, और एक बार में ही कम्बस्टन होने के बाद सीधी गैसेस जो है एग्जॉस्ट से निकलती रहती है। जब हम गाड़ी को 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं कांस्टेंट स्पीड पे, तब EGR वाल्व काम करता है, या ज़्यादा एक्सेलरेट गाड़ी को ना करें तो काम करता है। ज़्यादा एक्सेलरेट कर देते हैं तो हमें पावर चाहिए होती है, और वो पावर देने के लिए गैसेस को रिसर्कुलेट नहीं करता, EGR वाल्व बंद हो जाता है सेंसर की वजह से, और कम्बस्टन होने के बाद जो गैसेस निकलती है वो पहली बार में ही एग्जॉस्ट से निकल जाती है। तो आप हमेशा गाड़ी को एक कांस्टेंट स्पीड पे और नॉर्मल स्पीड पे चलाइए, जिससे आपको माइलेज भी अच्छी मिलेगी और गाड़ी की लाइफ भी अच्छी बनी रहेगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को आप केयरफुली और पूरा देखें। नॉर्मली मैं किसी वीडियो के लिए नहीं कहता कि आप इसको पूरा देखिए, लेकिन इस वीडियो के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, इंजन से रिलेटेड है ये। और आज की वीडियो का जो क्रेडिट है वो मेरे एक मैकेनिक दोस्त जो कि एक सीनियर मैकेनिक है, उनको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, उनको जाता है, क्योंकि आज सारा काम उन्होंने ही किया है और अपने पर्सनल रीज़न की वजह से उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। और आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से समझिए, जो चीज़ हम शुरू में खोलेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह से जब फिट करेंगे तो सबसे आखिर में जो हम खोलेंगे वो सबसे पहले फिट करेंगे, और उसी तरह से हम जो सबसे पहले खोली थी वो सबसे लास्ट में फिट करेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और स्टेप बाय स्टेप ही समझते जाइए, और कोई गलती ना करें। और मेरे बीच बीच में कुछ बातें अगर मैंने बताई भी है तो आप स्किप कर देंगे, तो आप हो सकता है उनको ना जान पाएँ और आप कोई गलती कर बैठें। इससे बेटर ये होगा कि आप वीडियो को पूरा ही देख लें। और EGR को क्लीन करने के लिए कुछ स्पेशल टूल की ज़रूरत पड़ती है जो नॉर्मली हमारे घर में नहीं होते। तो आज जो मैं टूल्स की ज़रूरत पड़ी है वो है एक प्लायर, एक 10 नंबर की चाबी, एक एक 10 नंबर की टी शेप्ड चाबी, और एक ये T45 LN की, ये 12 mm का, एक ये 10 mm का जो थोड़ा लंबा हो, और ये एक 20 नंबर की LN की, और एक ये जॉइंट, और ये के 30 नंबर की LN की, एक ये एक्सटेंशन है 3 इंच की है ये, और एक ये 6 इंच की एक्सटेंशन है, और एक ये रॉड, इनकी हमें आज ज़रूरत पड़ी है। और इसमें 12 नंबर की है सिर्फ हमने बैटरी को निकालने के लिए यूज़ करी है, इसका और कोई यूज़ नहीं था। तो जो मेन टूल है हमारा ये है, सब इन्हीं से सब कुछ खुल जाएगा। तो गाड़ी के पास चलकर देखते हैं कि EGR कहाँ पे फिट होता है और कैसे हम उसको खोलेंगे। तो ये EGR होता है, ये ऊपर सोलेनोइड वाल्व लगा हुआ है, इसके नीचे जस्ट EGR फिट है। टॉप से दिखाऊंगा आपको, तो ये अंदर है, ये EGR है,
और ये यहाँ पीछे इंटेक मैनिफोल्ड है, और ये मैनिफोल्ड के आगे एक पाइप लगी हुई है जो इंटरकूलर से आती है, ये वाली। और इस पाइप के अंदर जब इसको हम खोलेंगे यहाँ से, तो इसके अंदर एक एल्बो निकलेगा IGR का, जिसको हम साफ़ करेंगे, आपको आप देखेंगे आगे वीडियो में। EGR को खोलने के लिए हमें करीब 14 नट खोलने पड़ेंगे छोटे बड़े मिला के, और 8-9 पाइप हैं जो हटानी पड़ेगी। और अगर नटों की बात करूं तो 1, 2, 3, 4 और एक इस पाइप का ये नीचे, 5, एक इसी पाइप का आगे आके इस पाइप के नीचे है इधर, यहाँ मेरी उंगली नट के ऊपर ही है, 6, उसके बाद में 3 ये वाले हो गए, 9, और एक 30 नंबर की एलन की लगने वाला इधर पीछे है, क्लम्प है, वो खोलना पड़ेगा, 10, और 2 एलन की से खुलने वाले नट EGR के हैं, जब वो ये सारा खोल लेंगे उसके बाद में मिलेंगे हमें वो, 12, और 2 नट एल्बो के हैं जो इस पाइप के अंदर है, उसके यहाँ 2 एल्बो के नट यहाँ नीचे लगे हुए हैं, वो खोलने पड़ेंगे। तो टोटल 14 नट हो गए छोटे बड़े मिला के, और 8 जो पाइप बता रहा हूँ मैं आपको, 8 या 9 पाइप हैं वो, एक ये 2, और ये 3, और 2 पाइप ये हो गई, 5, और एक नीचे EGR जब खोलेंगे उसकी पाइप निकलेगी, 6, और एक ये जो पाइप मैंने आपको बताई थी, ये वाली पाइप ये जो पीछे जा रही है, ये इधर पीछे आ रही है पाइप, इसके आगे रबड़ की पाइप फिट है, वो निकालेंगे हम पीछे यहाँ पे, ये रही। और एक पतली वाली पाइप जो इसी पाइप के साथ जो पतली पाइप आ रही है, उसके आगे भी एक रबड़ की पाइप लगी हुई है, वो भी निकालेंगे हम। तो ये 8वीं पाइप हो गई, और अगर हम इसको काउंट करते हैं ये वाली, तो इसको मिला के 9 पाइप हो गई। तो हमें ये सब खोलना पड़ेगा। इतना खोलने के अलावा हमें एक ये वायरिंग हटानी पड़ेगी इसकी, 2 कनेक्शन है ये, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये दोनों हटाने पड़ेंगे। और एक ये EGR का कपलर यहाँ से निकालना पड़ेगा, जो सोलेनोइड सेंसर को पावर सप्लाई के लिए होता है, ये हटाना पड़ेगा। तो टोटल हमें 14 नट और ये 9 पाइप और एक वायरिंग, वो एक वायरिंग का ये कपलर हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम ये सारा खोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काम। और सबसे पहला काम है कि सबसे पहले हम इसका कूलेंट ड्रेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पीछे कूलेंट की पाइप होती है, जब हम उसको निकालेंगे तो उसमें से कूलेंट निकलेगा, तो इसलिए हमें उससे पहले ही यहाँ से सारा ड्रेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कूलेंट ड्रेन करेंगे। इसके लिए क्या करना, हमें सबसे पहले नीचे कोई कलेक्ट करने के लिए कूलेंट को नीचे कोई भी टब वगैरह कुछ रख देंगे, और टब रखने के बाद जो मैंने कूलेंट वाली वीडियो में बताया हुआ है कि इस फैन के नीचे की तरफ वहाँ एक टैप लगा हुआ था, उस टैप को खोल के सारा कूलेंट हम ड्रेन कर सकते हैं। तो मैं अभी वो टैप खोलने जा रहा हूँ जो नीचे होता है। मैंने उस टैप को पूरा नहीं खोला है, क्योंकि अगर मैं पूरा खोल दूंगा तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा उसका, और या हम जब टब में कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसका खोला है, और ये धीरे धीरे इसमें कलेक्ट होता रहेगा। और ऊपर से इसका ये ढक्कन भी खोल देंगे ताकि हवा अंदर जाएगी तो वो जल्दी ड्रेन होगा। और जब तक कूलेंट ड्रेन हो रहा है तब तक हम इसकी बैटरी निकाल लेंगे। बैटरी निकालने का पर्पज़ हमारा ये है कि हाथ जाने के लिए, काम करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, इसलिए हम बैटरी को खोल रहे हैं। इसके हमने ये टर्मिनल के नट खोल लिए हैं, अब इसका कवर खोल के बैटरी निकल जाएगी। और बैटरी का कवर खोलने के बाद ये नीचे एक 12 नंबर का नट है, देखो कोरिजन भी हुई है यहाँ पे, ये भी हमें खोलना पड़ेगा, उसके बाद बैटरी को हम निकाल पाएंगे।
और ये बैटरी को निकालने के बाद देखिए नीचे भी कार्बन काफ़ी जमा हुआ है। जैसा मैंने बैटरी वाली वीडियो में बताया कि इसकी वजह से पूरी बॉडी भी नीचे से गल गई थी मेरी, तो इसका भी आप ध्यान रखा करें और कोशिश करें कि ड्राई बैटरी ही आप इसमें रखवाएं। अब हम इंटरकूलर वाली ये पाइप खोलेंगे और ये लोहे वाली पाइप भी खोलेंगे पीछे से, और उसके साथ साथ जो भी कनेक्शन है, यानी कि जैसे कि ये पाइप है ये भी हमें निकालनी पड़ेगी वहाँ से, और इसके नीचे भी नट है वो भी हमें खोलना पड़ेगा। देखते हैं अभी। क्लंप खोल के पाइप बाहर निकाल देंगे, काफ़ी टाइट होती है ये पाइप। अब ये पाइप भी निकाल लेंगे यहाँ से, क्लंप इसमें से बाहर निकल जाएगी और यहाँ लॉक में से बाहर निकाल देंगे। इस लॉक को खोलने के लिए यहाँ से हमें प्रेस करना पड़ता है, ऐसे प्रेस करने की देर रखी है इसमें, इस तरफ है, यहाँ से प्रेस करके और बाहर निकल जाता है ये। और अब हम ये EGR का ये कपलर है, कनेक्शन है ये, इसको भी खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए येलो वाली है इसको ऊपर सरका देंगे और ये लूज़ हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। ये हमने वायरिंग है ये पूरी, इसको निकाल दिया है यहाँ इस लॉक में से और निकाल देंगे ताकि ये पाइप फ्री हो जाए। जब हम इसको निकालेंगे तो वो साथ में अटैच होती है इसके, इसलिए इसको पहले हमने खोल लिया। अब हमें ये वाली पाइप भी निकालनी पड़ेगी और ये पीछे की तरफ जा रही है पाइप, और ये पाइप आ रही है इधर पीछे, एक मिनट, यहाँ पीछे लगा हुआ है इसके, वो भी खोलना पड़ेगा। और ये दोनों पाइपें जो है हीटर कोर की पाइप है, जो अपनी गाड़ी में हीटर काम करता है, हीटर चलता है उसके लिए होती है ये पाइप, तो ये भी हमें निकालनी पड़ेगी। एक तो ये यहीं पे नट है और एक मैंने बताया था उधर पीछे नट है इस पाइप का, ये पाइप यहाँ से उधर जा रही है आगे, और ये जो नट अभी वहाँ से खोला है ये इसी साइज़ का नट लगाना होता है। अगर हम ज़्यादा लंबा लगा देंगे बाई चांस, गलती से कोई दूसरा नट यहाँ पे इसी साइज़ का लगा देंगे लंबा, तो वो अंदर से एक पत्ती होती है उसको मोड़ देगा और ख़राब कर देगा अंदर से, इसलिए ध्यान रखना कि ये यही नट यहीं पे वापस लगाना चाहिए। और इसका एक नट यहाँ भी होता है। इस पाइप में कई जगह नट दिए होते हैं ताकि पाइप को ज़्यादा वाइब्रेट ना करे, टाइट फिट रहे। ये भी 10 नंबर का ही नट था। अब ये पाइप लूज़ कर लेने के बाद हम इस पाइप को खोलेंगे। ये 3 नट लगे हुए इसमें, ये वाले, एक उस तरफ है, ये तीनों खोल के पाइप बाहर आ जाएगी। ये देखिए इसमें कितनी गंदगी होती है, पूरी चिकनाई सी है इसमें और बिल्कुल काला हो गया अंदर से, इसी को हमें साफ़ करना होता है। और इसी तरह हमें इधर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही गंदा और काला है ये, इसको हमें साफ़ करना होता है। ये मैनिफोल्ड का पार्ट है और इसके अंदर ये EGR का एल्बो फिट है, इधर ये EGR वाल्व है, और इसको भी हम खोल के साफ़ करेंगे। अभी हमने ये इनटेक मैनिफोल्ड की पाइप खोली है। ये अभी जो हमने पाइप निकाली है ये मैनिफोल्ड की पाइप थी, और ये इधर मैनिफोल्ड लगा हुआ है आगे, अंदर से बिल्कुल काला हो गया है, देखिए बहुत ही ज़्यादा गंदा है। और ये EGR वाल्व होता है,
ये एजीआर वाल्व यहाँ मैनिफोल्ड से और अंदर हेड से कनेक्टेड होता है, इंजन के हेड से। तो अभी हम एजीआर वाल्व को भी निकाल के साफ़ करेंगे। तो एजीआर वाल्व खोलने से पहले हमें ये पाइप, इसके जो हमने नट खोले थे 3 10 नंबर के, ये हटाएंगे और ये दोनों पाइपें भी निकाल लेंगे। और एजीआर को खोलने के लिए जो ये नट है, ये 45 नंबर की एलन की से खुलेगा। ऐसा ही नट सेम नीचे भी लगा हुआ है, दोनों नट खोलेंगे हम। और एक नट यहाँ इधर पीछे भी लगा हुआ है, वो स्टार की से खुलेंगे, यानी कि एलन की से खुलेंगे, 30 नंबर की एलन की, 30 नंबर की। ये हीटर कोर की पाइप खोल रहे हैं अब, और ये भी काफ़ी टाइट होती है। फ्रेंड्स, कैमरा अंदर ले जाने के लिए कहीं स्पेस नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर से बना पा रहा हूँ। ये जो पाइप जा रही है पीछे, इसके आगे रबड़ की पाइप जुड़ी हुई है, वो रबड़ की पाइप हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये जितने भी यहाँ पाइप है, ये काफ़ी टाइट होती है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इनको खोलने के लिए। और वो पाइप निकालने के बाद इस पाइप के आगे जो मोटी पाइप थी इसके साथ, ये वाली मोटी पाइप, उसका क्लंप है एक पीछे, वो खोल रहे हैं। हर जगह कैमरा नहीं जा पा रहा है फ्रेंड्स। ये पाइप भी हमें निकालनी पड़ेगी, और इस पाइप का हमने क्लंप खोला था, ये पाइप फ्री हो गई है। ये पाइप निकाल लेने के बाद अब एक ये क्लंप खोल देंगे, वो पाइप निकल जाएगी, और एक ये इसके नीचे जो क्लंप लगा हुआ है ये वाला, ये खोल देंगे तो ये पाइप निकल जाएगी। पाइपें निकाल लेने के बाद ईजीआर की जो 45 नंबर के एलन की से खुलेंगे नट, एक तो ये है, एक इसी तरह का नीचे लगा हुआ है, तो वो दोनों खुलेंगे। और एक यहाँ पीछे की तरफ लगा हुआ है एक नट, 30 नंबर की एलन की से खुलने वाला है यहाँ पे इधर, तो वो भी हम खोलेंगे। एलन की 45 नंबर की यहाँ पे लगा के लूज़ कर लिए हमने नट ये दोनों, और जो इसके पीछे 30 नंबर का एलन की का नट था, वो भी हमने लूज़ कर लिया है। जो 30 नंबर का जो नट मैंने आपको बताया है, वो यहाँ है, ये रहा। और ये मैं आपको कहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इसके पीछे यहाँ पे ये है, इसको हमने लूज़ कर लिया है। लूज़ करने के बाद इसको हम हाथ से खोल लेंगे। ये जो हमने खोला है, ये था, ये 30 नंबर का एलन की का नट है। ये ऐसे एक क्लंप लग के ऊपर फिट किया हुआ था पाइप को टाइट करने के लिए, ये हमने खोल लिया है। ये इतना टाइट इसलिए किया होता है कि अगर ये लूज़ हो जाएगा तो गाड़ी विसल बजाएगी, विसल की आवाज़ ज़रूर आएगी इंजन से, इसलिए इसको फुल टाइट रखना ज़रूरी होता है। जो 45 एलन की नट है, इनको पूरे खोल लेंगे। काफ़ी लंबे नट होते हैं इसमें, 45 नंबर के एलन की से खुलते हैं ये। और जब ये ईजीआर का दूसरा नट भी हम खोल रहे होंगे, तब ईजीआर को हाथ से होल्ड करना पड़ेगा हमें, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगा। तो इसको होल्ड करके रखेंगे, और दूसरा 45 नंबर की एलन की से जो नट खोल रहे हैं, वो खुलने के बाद ये बाहर आ जाएगा।
इसकी एक रिंग निकली है। थोड़ा थोड़ा कूलेंट निकला है यहाँ से, और अगर हम ड्रेन नहीं करते तो ये काफ़ी कूलेंट निकलता है यहाँ से। ये इसका EGR है, इसमें कूलेंट की भी सप्लाई होती है। अगर हम इसको टेढ़ा करेंगे तो कूलेंट इसमें से निकलेगा, थोड़ा सा निकला ये देखिए। इसको हमें क्लीन करना है। और आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी को क्लीन करने के ऊपर है, और इसके साथ साथ एक हमें मैनिफोल्ड भी क्लीन करना होता है, लेकिन मैनिफोल्ड हम आज क्लीन नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और वो जब गाड़ी 1 लाख से ऊपर चल जाती है उसके बाद ही करना चाहिए, तो वो हम बाद में करेंगे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में। जब हमने EGR को खोला था, यहाँ से कलम खोला था, तब ये एक रिंग निकली थी यहाँ से, तो इसका ध्यान रखना होता है कि ये कहीं नीचे ना गिर जाए, कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि इसके बिना इसकी फ़िटिंग नहीं होगी, यहाँ लगने के बाद ही इसकी फ़िटिंग प्रॉपर आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक लीकेज ना हो, इसके लिए एक रिंग बनाई हुई होती है, लोहे की होती है ये, तो ये भी लोहे की रिंग भी इसके ना गिर जाए कहीं, इसको भी हमें खोलते टाइम इसको पकड़ के रखना होता है, अगर कहीं टूट गई या गिर गई, गुम हो गई, तो ये नई डालनी पड़ेगी, इसके बिना इसकी फिटिंग नहीं हो पाएगी, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब हम ये मैनिफोल्ड के अंदर जो ये पाइप है काली दिख रही है आपको, इसको निकालेंगे बाहर साफ़ करने के लिए। एल्बो बोलते हैं इसको। ये EGR की पाइप ही होती है, मैनिफोल्ड के अंदर फिट होती है। जो जो नट लगे हुए हैं अंदर वाली पाइप को खोलने के लिए, वो यहाँ पे ये देखिए दो नट हैं, इन दोनों को खोलना पड़ेगा। ये इस पाइप को निकालने के लिए हम खोल रहे हैं, जो ब्लैक दिख रही है उसको अंदर। और ये जितने भी नट आप पीछे से खोल रहे हो, ये आपको ध्यान रखने हैं कि यही नट वापस लगने हैं, इसलिए आप इनको केयरफुली खोलें, कहीं जोर मार के तोड़ ना दें या कहीं स्लिप ना हो जाए, तो ध्यान से खोलने वाली चीज़ है। ये जो नट मैंने अभी आपको बताए हैं इस पाइप को निकालने के लिए, वो 20 नंबर की एलन की से खुलेंगे। ये एलन की जो स्टार शेप की है उसके 20 नंबर का नट खोल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कुछ ऐसे निकलेगा, ये देखिए कितना काला है। ये एक रिंग भी होता है इसमें लगा हुआ, वो भी कहीं गिर ना जाए, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो गंदगी है ये इतनी काली होती है कि अगर ये आपके कहीं लग जाएगी तो ये जल्दी से जाएगी नहीं, इसलिए आप इससे बच के ही रहिए, और प्रॉपर कपड़ा अपने पास रखिए हाथ पहुँचने के लिए। इसको हम साफ़ कर लेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर चिपका हुआ होता है। ये हम इसको ऊपर ऊपर से ही साफ़ करेंगे, गंदगी इसके अंदर भी होती है, लेकिन अगर वो हम साफ़ करेंगे तो ये हो सकता है कि वो गंदगी नीचे वाल्व तक ना चली जाए। अगर वाल्व तक आपकी गंदगी चली जाती है साफ़ करते टाइम, अगर आप थोड़ी बहुत भी गंदगी नीचे चली जाती है जो चिपकी हुई है वो, तो वहाँ वाल्व के साथ जाके चिपक जाएगी और वाल्व बंद हो जाएंगे, और गाड़ी को आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप सारे को फिट करके गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए नीचे से साफ़ ना करें इसको। और जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है, जैसे बार बार से हम साफ़ करके दिखा रहे हैं आपको, उतना ही साफ़ कीजिए आप। ये देखिए पूरी गंदगी जमी हुई है, जहाँ तक आप सीधी गंदगी को बाहर निकाल पाएँ उतना ही साफ़ करिए इसको, तो जहाँ आपको हाथ नहीं पहुँचता या ज़्यादा आप ज़बरदस्ती आप इसके साथ अगर करेंगे तो ये कचरा अंदर ना चला जाए, आप ध्यान रखना, सिर्फ़ और सिर्फ बाहर निकालना है हमें ये कचरा, और आप बाहर से जितना साफ़ कर देंगे उतना भी काफ़ी होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। ये जो एल्बो हमने निकाला था इसको अब साफ़ कर लेंगे।
इसका ज़्यादातर कचरा उतार के डीजल से साफ़ करेंगे इसको। तो जितना उतरता है पहले उतार देंगे कचरा इसका। अब ये EGR वाल्व जो हमने निकाल लिया था, इसके जो बचे हुए नट हैं 45 नंबर के एलन की से खुलेंगे, स्टार की से, ये भी हम खोल लेंगे। और ये खोलने के बाद अंदर से इसको पूरे को क्लीन करेंगे। ये वाले 3 नट खोल लेंगे हम पहले, और वो वाला नट जो नीचे है ये लास्ट में खुलेगा, जब ये निकाल लेंगे बाहर उसके बाद खुलेगा वो। और जो इसकी ये वाली पाइप होती है इसको हमें टच नहीं करना, इसको अगर हम पकड़ के अगर कोई दबा देते हैं तो ये मुड़ भी सकती है, क्योंकि एक ज़्यादा मजबूत नहीं होती, कमज़ोर पाइप होती है, और जब ये मुड़ जाएगी तो इसकी प्रॉपर फिटिंग नहीं आ पाएगी उसमें, और जब तक प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी तो गाड़ी विसल ज़रूर बजाएगी, तो सीटी बजने के बाद आती रहेगी गाड़ी के अंदर। तो इसको हमें नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही रखनी है हमें, निकालते वक्त भी हमें ध्यान रखना है। ये भी संभाल के रखने वाली चीज़ है, और ये भी थोड़ा सा साइड में हो जाएगा। और इस पाइप को हमें नहीं पकड़ना, हमें नीचे से पकड़ना है इसको वो खोलने के लिए। अब ये भी अलग से क्लीन करेंगे हम, और इसको भी अलग से क्लीन करेंगे। अब इसका ये ऊपर सेंसर होता है वो भी निकाल देंगे। ये 25 नंबर की एलन की या स्टार की से खुलेगा। ये भी थोड़ा चिपका हुआ होता है। ये इसके अंदर सोलेनॉइड वाल्व है, ये कैसे काम करता है ये देखिए, अंदर दब रहा है ये। तो जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं एकदम, तब EGR काम नहीं करता, क्योंकि उस टाइम हमें परफॉर्मेंस चाहिए होती है, माइलेज नहीं चाहिए होती। और जब नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चल रही हो 100 या 100 से नीचे, तब ये EGR वाल्व काम करता है और गाड़ी की माइलेज अच्छी आती है। अगर एक्सेलरेट हमने ज़्यादा कर दिया तो वो इस वाल्व को बंद कर देता है, और जब हम एक्सेलरेशन को कम करते हैं तो ये वाल्व खुल जाता है और गाड़ी की माइलेज अच्छी आती है, क्योंकि जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो रिसर्कुलेट हो जाती है इसके थ्रू। ये करीब आपको आधा लीटर डीजल चाहिए होगा इसको साफ़ करने के लिए। इसको ब्रश से अच्छी तरह से साफ करना होता है। इतनी मेहनत करके आपने अगर इसको खोला है तो प्रॉपरली साफ कीजिए इसको।
डीजल से साफ़ करने के बाद घर पे ले जाके वाटर प्रेशर से और साफ़ करेंगे इन सब को। ये जो सोलेनोइड वाल्व है इसको हम सिर्फ प्रेस करके देख लेंगे कि ये प्रेस हो रहा है या नहीं है। नहीं हो रहा, अगर ये जाम है तो हमें इसको भी ठीक करना पड़ता। अगर ये सही काम कर रहा है, प्रेस हो रहा है, तो इसको हमें कुछ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम वापस फिट कर देंगे। ये जो इसकी जो पिन आपको दिखाई दे रही है ये बिल्कुल इसके ऊपर सेट होनी चाहिए, और यहाँ ये दो दो सुराख दे रखे हैं। जिस सुराख में चूड़ियाँ हैं यानी नट कसने की जगह है, इसमें है, इसमें ये प्लेन है, इसमें हम नट को कसेंगे, तो ये इसके ऊपर आना चाहिए। और इसको टाइट ही बंद करना होता है। ये T45 के एलन की यानी स्टार की से हम वापस टाइट कर रहे हैं इसको, और इसको काफ़ी टाइट बंद करना होता है। इस एल्बो में जो रिंग होती है वो यहाँ लगेगी, ऐसे रिंग फिट होती है ताकि कहीं लीकेज ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि EGR में दो रिंग है, जो अगर इनको भी संभालना पड़ता है, गिर ना जाए कहीं, क्योंकि ये अगर नहीं लगा होगा तो गाड़ी विसल मारेगी। तो ये दोनों हमें संभाल के रखने हैं, और याद रखना है इनको कि ये दोनों को वापस फिट करना है। अब इसका EGR हम फिट करेंगे। और ये जो रिंग है इसके आप जो इसका उठा हुआ पार्ट है पीछे वाला, इसके ऊपर हल्का हल्का ग्रीस लगा लें ताकि अंदर चिपकी रहे, और नेक्स्ट टाइम भी अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये नीचे नहीं गिरेगी और इसके साथ चिपक के ही निकल के आएगी। बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीस लगाना है। अब ये जब फिट करेंगे तो ये गिरेगी नहीं, निकल के आसानी से फिट हो जाएगी। और हल्का सा ग्रीस इस पे भी लगा लें तो ये भी चिपकी रहेगी।
ये देखिए यहाँ पे ईजियर फिट होता है, ये जो 45 LN की के जो नट हैं वो इसमें लगेंगे दोनों सुराख ऊपर नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जब आप ईजियर फिट करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसकी जो पाइप्स हैं वो कहाँ पे फिट होंगी, क्योंकि ये अपनी जगह ऐसे सेट बैठता ही है कि जहाँ भी पाइप फिट होनी है वहीं पे जाएगा। ईजियर हमारा वापस फिट हो गया है। ये देखिए इसकी ईजियर को फिट करने के बाद ये इसकी प्रॉपर जगह फिट हो गया है। जो रिंग हमने ये खोली थी वो वापस लगा रहे हैं 30 नंबर के एलन की नट से, यानी कि स्टार नट से। ईजीआर को फिट करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि आप ये ध्यान रखें कि आपने कौन सी पाइप कहाँ से खोली थी। एक तो अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या मार्किंग कर लें इन पे। तो ईजीआर की पाइप जो फिट किया हमने, तो ईजीआर की जो पाइप अपने आप आके यहाँ पे सेट होगी, मतलब ये तो यहीं फिट होगी, इसका तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो दो पाइप आपने खोली थी ये वाली, तो ये नीचे वाली जो पाइप है वो यहाँ जो नीचे की तरफ होगा ये इसमें फिट होएगी, और जो ऊपर वाली पाइप है उन दोनों पाइपों में ये वाली पाइप, ये पाइप यहाँ ऊपर वाले में फिट होगी इसमें। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, इन पाइपों को लगा के और इनके क्लंप वापस फिट कर देंगे। वीडियो बनाने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप खुद से ही ध्यान रखना इन चीज़ का। अब ये पाइप ऊपर वाली में लग जाएगी, अब ये ईजर के पीछे लगने वाली पाइप फिट करेंगे। ये जगह ऐसी है जहाँ से आपको अंदाजे से काम करना पड़ता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, और इस गाड़ी में तो फिर भी थोड़ा बहुत स्पेस है। जब आप स्विफ्ट गाड़ी जैसी में कोई काम करेंगे तो इतना स्पेस भी आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें खोलनी पड़ेगी स्पेस बनाने के लिए। ये क्लंप हम वापस फिट कर रहे हैं, और अब ये जो पाइप हमने पहले निकाली थी वो वापस लगा देंगे इसमें। अब ये पाइप हमने वापस फिट करी है, इसके जो जितने दो तीन नट खोले थे तीन जगह से तीनों वापस फिट कर देंगे। ये टॉर्च है, ये इसको नीचे दबाना पड़ेगा। और अब लास्ट में ये हम वापस फिट करने जा रहे हैं।
ये नट लगाया है, जो पतली वाली पाइप थी ये वाली, इसका नट लगाया है पीछे, ये नट। और अब ये जो लास्ट में फ्यूल की पाइप है उसको फिट कर देंगे, जो जो हमने खोली थी। और कौन सी पाइप कहाँ फिट होगी वो आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इसमें लॉक लगा हुआ है और लॉक फिट होने की जगह यहीं थी, और इसकी तो आपको पहचान हो ही जाएगी। और एक ये पाइप लगाई है जो नॉर्मल रबड़ की पाइप थी, और रबड़ की पाइप चढ़ने के लिए इसमें स्पेस था, वो सीधे इसके ऊपर चढ़ा दी। और जो इंजन में इनलेट की पाइप होती है वो ये है, ये सीधी इसके अंदर। और इस लॉक वाली पाइप जो है ये सीधी वापस टैंक में फ्यूल भेजने के लिए होती है। और जैसे यहाँ थोड़ा बहुत डीजल लीक हो गया, पाइप में से निकल गया, तो इसको हम साफ़ कर लेंगे। अब ये पाइप भी वापस फिट कर दी। अब ये सारा फिट कर दिया हमने, इसकी बैटरी भी फिट कर दी है, और ये एंटी कोरिजन स्प्रे भी इसके ऊपर कर दिया मैंने। सारा फिट करने के बाद इसका कूलेंट हम वापस डालेंगे। कूलेंट को मैंने स्टोर करके रखा था, इसमें डाल देंगे। और अगर ये कम पड़ गया अगर थोड़ा बहुत, तो जितना बाकी बचेगा वो हम पानी डाल देंगे इसमें। और कूलेंट हमारा बिल्कुल सही कंडीशन में पड़ा है अभी। अभी ये इतना कूलेंट डालते ही एक फुल शो कर रहा है यहाँ पे, थोड़ी देर में ये और नीचे चला जाएगा कूलेंट, तो हम और डाल देंगे इसमें। यहाँ से खाली नहीं नहीं भी होता है, तो जब हम गाड़ी को स्टार्ट करके 2-4 किलोमीटर चला लेंगे, या फिर स्टार्ट करके इसको रेस दे के रखेंगे न्यूट्रल करके गाड़ी को, तो थोड़ी देर बाद में इसके थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाएंगे। जैसे ही गाड़ी 98 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पहुँचेगी, तब ये सारा सर्कुलेट हो जाएगा और इसमें और डालने के लिए स्पेस बन जाएगा। और रिजर्वर तक यहाँ इसकी 6.5 लीटर की कैपेसिटी है, अगर यहाँ तक हमने भर रखा है तो 6.5 लीटर इसमें कूलेंट आएगा, कूलेंट और वाटर मिला के। तो इसमें 3 लीटर हम कूलेंट डाल देते हैं और बाकी 3.5 लीटर पानी डाल देते हैं। तो सारी गाड़ी फिट करने के बाद और कूलेंट डालने के बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे कि यहाँ पे कहीं कोई लीकेज वगैरह तो नहीं रह गई है, या कोई हमने पाइप वगैरह कोई खुली तो नहीं छोड़ दी है। क्योंकि कई बार जब आप घर पे कोई कर रहे होंगे तो हो सकता है आप कोई पाइप छोड़ दो यहाँ पे, तो एक बार स्विच ऑन करके देखिए पहले तो, कि कहीं कोई डीजल वगैरह कोई लीकेज तो नहीं है। अगर सब नॉर्मल है तो फिर आप इसको स्टार्ट करके देखिए। तो अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत या कोई लीकेज यहाँ पे नहीं मिली है हमें, सब एकदम नॉर्मल वर्क कर रहा है, इंजन में कोई एक्स्ट्रा आवाज़ भी नहीं आ रही है। और अगर खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँ तो पहले से स्मूथ इसकी जो आवाज़ आ रही है गाड़ी की, इंजन स्टार्ट की। और ये धीरे धीरे कूलेंट भी थोड़ा सा नीचे चला जा रहा है, ये देखिए नीचे चला गया, इसमें हम और टॉप अप कर देंगे। तो आज का हमारा काम यहीं ख़त्म होता है। तो ये सब था EGR वाल्व क्लीनिंग के बारे में। और जब गाड़ी 1 लाख से ऊपर चल जाएगी तब हम इसका ये मैनिफोल्ड भी खोल के साफ़ करेंगे, ये जो पीछे होता है यहाँ पे पूरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।